बांदा जनपद के बबीरू विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया। वहीं सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी को भाजपा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने व करवाने की अपील की है। बबेरू कस्बे के पशु बाजार पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय सिंह पटेल के समर्थन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हेलीकॉप्टर के द्वारा पहुंचकर जनसभा को संबोधित किया है। जब स्वतंत्र देव सिंह हेलीकॉप्टर से जनसभा स्थल पर पहुंचे तब वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन हेलीकॉप्टर आने के बाद काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एक घंटे तक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, जिसमें केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया। तो वही सपा बसपा और कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा है। सभी को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की सभी से अपील की है। कुल मिलाकर राज्य के अंदर 7 साल की योजनाओं को लेकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 7 साल की योजना थी, राज्य के अंदर जो 5 साल में हम लोगों ने वादा किया था, जो कहा वो किया, अब जो कह रहे हैं उसको आगे 5 साल में हम पूरा करेंगे। हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, ईमानदार नेतृत्व है, जिसके बदौलत पर चुनाव लड़ रहे हैं। गरीबों की सेवा किया हूँ, गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं गरीबों के लिए पास लेकर मैं गया हूँ। प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड हो, किसान सम्मान निधि है और गरीबों के लिए महीने में 2 बार अन्न है, प्रधानमंत्री बीमा योजना है, यानी सभी योजनाएं, नीम कोटेड यूरिया स्वास्थ्य के लिए और घर घर पानी पहुँचाने का जो काम करवाया है, उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी जो वादा मैं किया हूँ कि 2 करोड़ में लैपटॉप या स्मार्टफोन युवाओं को दूंगा, सम्मान किसान सम्मान निधि बढ़ाऊंगा, किसानों का कर्ज मैं बिजली का माफ करूंगा, ये सब योजनाएं भी जनता के बीच में मैं लेकर जा रहा हूं। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।